हम ही भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मायागंज हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ आइसोलेशन वार्ड के बाहर जांच कराने वालों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। लोगों की ये शिकायत है कि सुबह काफ़ी देर से वो लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बावजूद है ना तो कोई डॉक्टर दिख रहे हैं ना ही कोई ड्यूटी में स्टाफ दिखाई दे रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं इसको लेकर। और हम इसको लेकर के कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि क्या परेशानियाँ और जी कितनी देर से आप यहाँ पर हैं। सर मैं पिछले करीब एक घंटे से हूँ, थोड़ा सा एक घंटे से करीब हूँ, और कोई यहाँ पे सिस्टर लोग थी तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब है नहीं, तो मैंने बोला ये तो इससे ज़्यादा इमरजेंसी आज के डेट पे कुछ है पूरे कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए? यहाँ तो डॉक्टर तब हटना चाहिए जब दूसरा डॉक्टर अटेंड करने आ जाए। सही बात है। तो बोला गया 2 बजे 2:30 बजे, अब अभी तक कुछ नहीं है। कौन से डॉक्टर आने वाले हैं ये भी कोई नहीं बता रहा है। चिट्ठा वहाँ कटाने जाओ, वहाँ जाने के बाद वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, जाओ 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 जाओ, वहाँ चला गया। यहाँ एक घंटे से इतने लोग पूछे ना, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? कहाँ से आए हैं? हम लोग भागलपुर से आए हैं, साहिबगंज से, ऐसे चेन्नई से आ रहा था, वो चेक कराने आया हूँ। घर में जाके प्रशासन भी मना कर रहे हैं। एक चीज़ और कवर कीजिएगा मेरा, यहाँ बोल रहे हैं यही कि अभी रुको, उधर चिट्ठा कटा, 15 नंबर वार्ड में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, खाली यही बोल के बुला रहे हैं। एक चीज़ मेरा और कवर कीजिएगा, भागलपुर बिंग एज ए स्मार्ट सिटी, आप देख सकते हैं कि अभी ये हालत क्या है, ठीक है? और पैनिक सिचुएशन ऐसी है, किसी भी विलेज में आप चले जाइए, कोई बाहर से अगर आ रहा है तो उसको एंट्री नहीं दी जा रही है। बोला जा रहा है कि मायागंज से आप अपना कुछ लेके आइए, नहीं तो थाना पहुंच जा रही है, एम्बुलेंस पहुंच जा रही है। मेरे गांव से 2 लोगों को जबरदस्ती पकड़ के लाया गया, ठीक है? तो सिचुएशन ये है, हम लोग कहाँ रोड पे रहें, कहाँ रहें? और यहाँ पे देखिए ऐसे मतलब पूरे भागलपुर सिटी में कितना बड़ा एरिया कवर होता है इसके भरोसे है। पूरे विश्व भर में एक बड़ी समस्या बन गया है, बड़ी महामारी है और इसको लेकर के हजारों लोगों की दुनिया भर में मौत हो चुकी है। कई ऐसे महाशक्ति या बड़े बड़े देश जो हर तरह की सुविधा से संपन्न है, वहाँ भी काफ़ी लोग इसके चपेट में आ चुके हैं और इसके चपेट में आके अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है भागलपुर के इस मायागंज में दावे तो काफ़ी किए जा रहे हैं इसको लेकर के। कल जिलाधिकारी ने भी निरीक्षण किया था और उन्होंने कई सख्त निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ घंटों से यहाँ पर चिकित्सक नहीं है और चिकित्सक के मौजूद नहीं रहने के कारण लोग लगातार परेशान हैं। और सबसे बड़ी परेशानी जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जो दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता या किसी अन्य जगहों से आए हुए हैं, कुछ लोग जो पूर्व में विदेश से आ चुके हैं, उन्हें सबसे बड़ी समस्या है कि आसपास के लोग भी इतने अब जागरूक हो चुके हैं कि वो जाँच के लिए दबाव बनाते हैं, जो एक सही फैसला है। लेकिन जब जाँच के लिए आने के बाद हॉस्पिटल में ही अगर चिकित्सक नहीं मिले और लोगों को घंटे धक्के खाने पड़े और काउंटर काउंटर घूमना पड़े, तो ये फिर कैसी व्यवस्था, ये किस तरह की सुविधा की का दावा किया जा रहा है भागलपुर अस्पताल या बिहार सरकार की ओर से? और ये इसका नज़ारा आप साफ देख सकते हैं कि आइसोलेशन के वार्ड के पास इतने व्यक्ति होने भी नहीं चाहिए, लेकिन जब जांच नहीं होगा तो लोग बढ़ेंगे और लोग बढ़ेंगे तो भीड़ स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। लेकिन इस सभी चीज़ों को यहाँ दरकिनार किया जा रहा है और लोग अगर सबसे बड़ी है कि अगर जाँच नहीं होगी तो लोग अपने घर नहीं जा सकेंगे, उनके पास कोई अगर कोई उसमें अगर कोई लक्षण पाया जाता है किसी तरीके का तो उसके लिए इनिशिएटिव लिया जाएगा, आइसोलेशन वार्ड में दिया जाएगा या किसी भी तरह के कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर लोग जो हैं परेशान हैं, इनको सुविधा नहीं मिल रही है और लगातार लोग घंटों से यहाँ परेशान। जी आप कुछ और बताना चाह रहे थे? पॉइंट और है, ये गांव से लोग दूर दूर से पकड़ के आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है? यहाँ छोड़ के ये लोग सब पकड़ के आए हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ के बाद उसका कोई खबर लेने वाला नहीं है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे जाओगे 30 किलोमीटर तुम दूर वापस, कोई देखने वाला नहीं है। कोई बड़ी जमीन से आए तो और भी हम कुछ लोग, जी जी हम लोग सर डंडा बाजार से आए हैं, जो भेजा है वो यहाँ पे आया ही नहीं है, हम लोग आके कब से खड़े हैं। पकड़ के पुलिस ने खुद लेके आया, प्रशासन ने यहाँ से आके छोड़ दिया हम लोग का, एक घंटा से खड़ा है सर, यहाँ पर कुछ नहीं है, ना चिट्ठा है ना कुछ है, इधर जाता तो उधर घुमा देता, इधर जाता तो इधर घुमा देता, हम लोग क्या करेगा सर? अब यहाँ से डंडा बाजार यहाँ से 20 किलोमीटर है, कैसे चल के चलेगा? अंधार हो जाएगा तो हम लोग का एम्बुलेंस नहीं छोड़ेगा तो हम लोग कैसे जा सकेगा? क्या हम लोग का गाँव में भी नहीं रहने देता है? सर मैं जमुई जिला का हूँ, मेरे को यहाँ भेजा गया, ये रिपोर्ट में अभी कुछ नहीं दिया और छोड़ दिया मेरे को, ये देखिए रिपोर्ट में कुछ नहीं बोला, 14 दिन घर से थोड़ा सा प्रेस करना, आ जाने के लिए पैसा वैसा कुछ नहीं है, 3 दिन मेरे को सुला के रखा बस, और कुछ भी नहीं है सर, जाने के लिए पैसा भी नहीं है। डॉक्टर मेरे को पता नहीं सर, मैं जम्मू जिला का हूँ, मेरे को यहाँ भेजा गया था, पुलिस लाया था उठा के, ये देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं सर, बोला 14 दिन प्रेस करना, ऐसा लिख के दिया मेरे को और छोड़ दिया मेरे को।
तो यहाँ लोगों की बड़ी परेशानी है। या मैंने कल भी देखा था कि कुछ लोग, ये शिकायत पहले भी थी कि यहाँ पर लगातार एम्बुलेंस से पहुँचाया जाता है, पुलिस के द्वारा यहाँ पहुँचाया जाता है, और उसके बाद उसकी देख रेख करने वाला या उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर चिकित्सा मिल गए, जाँच हो गई तो ठीक है, नहीं तो आप इंतजार करते रहे और उसके बाद की उसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। तो जब इस तरह की व्यवस्था है तो क्या, और हालांकि अभी राहत की बात है कि भागलपुर में जितने भी जांच हुए हैं अब तक कोरोना के, उसमें एक भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, ये भागलपुर के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर इस तरह की व्यवस्था में अगर कोई भी पॉजिटिव केस अगर आता है तो क्या इसी व्यवस्था के भरोसे यहाँ लोगों का इलाज होगा? क्या इसी व्यवस्था के भरोसे सरकार और जिला प्रशासन और हॉस्पिटल प्रबंधन जो है, प्रशासन जो है, जो दावा कर रही है, इतने लंबे लंबे दावे कर रही है सारी तैयारियों के, वहाँ 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी नया शिफ्ट किया जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है, लेकिन क्या तब तक हम इंतजार करेंगे कि कोरोना आए और कोरोना से लोग ग्रसित हो, इसका इंतजार करेंगे? आइसोलेशन वार्ड बनाना तो एक एहतियातन कदम है, एक सावधानी और सुविधा के लिए एक प्रयास है, लेकिन उसके बाद क्या, अब जब तक कि वो आइसोलेशन बेड तैयार नहीं होता, वो शिफ्ट नहीं होता, तब तक लोग क्या ऐसे ही भटकते रहेंगे? और जब इस छोटे से 10 बेड के आइसोलेशन वाले वार्ड को अगर नहीं संभाला जा पा रहा है तो क्या 100 बेड वाले आइसोलेशन वार्ड के लिए क्या व्यवस्था होगी? यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था पर और सरकार के दावे को भी यह खोखला करती है। एक और जहां पर कि पूरे जिले भर को लॉकडाउन किया गया है, राज्य को मुख्यमंत्री के आदेश पर लॉकडाउन किया गया है, उसका पालन करवाया जा रहा है, वहीं जिस कारण से यह लॉकडाउन किया गया है वहां पर ही यह व्यवस्था नाकाफी दिख रही है और यहाँ लापरवाही दिख रही है और लोग काफी इसको लेकर के आक्रोशित हैं और लोग काफी परेशान हैं। न सिर्फ जांच करवाने वाले बल्कि उनके परिजन, उनके घर वाले भी आशंका से ग्रसित हैं और लगातार अस्पताल प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश भी जता रहे हैं। हालांकि फिलहाल माहौल को देखते हुए लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो व्यवस्था काफी लचर व्यवस्था दिख रही है और अब तक कहीं कोई खास इसके लिए इंतजाम नहीं दिखाई दे रहा है और पूरे अस्पताल को, यहाँ भागलपुर पूरे पूर्वी जिले, पूर्वी बिहार का एक बड़ा अस्पताल माना जाता है और पीएमसीएच और डीएमसीएच के अधिकार भागलपुर में जेएलएनएमसीएच एक, जहाँ की दर्जनों जिलों से यहाँ पर, भागलपुर ही नहीं, बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड के भी कुछ जिलों से मरीज यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं, लोगों की जांच यहाँ कराई जाती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किए जाने वाले सारे दावे फिलहाल आज यहाँ खोखले नजर आ रहे हैं और इसके लिए अस्पताल प्रशासन को सजग होने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो फिर यह एक बड़ा सवाल है कि अगर पॉजिटिव केस आता है तो फिर कैसे इस पैनिक सिचुएशन को, इसको संभाला जा सकेगा।